चलो बेटा लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये मैट्रिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि नंबर्स को रोज और कॉलम में ऐसे अरेंज करना कि वो रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म कर दे। मैं यहाँ पे नंबर्स कुछ अरेंज कर रहा हूँ 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ से समझ आना चाहिए कि रोज और कॉलम है क्या। रोज और कॉलम बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस होती है। रोज कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है बेटा, 1 और 2। तो ये रो नंबर 1 हो जाएगा और ये रो नंबर क्या हो जाएगा बेटा, वर्टिकल लाइंस कहलाते हैं कॉलम। कॉलम नंबर 1 और ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉलम नंबर। हर चीज की कोई ना कोई डायमेंशन होती है। अगर आप किसी रूम के अंदर हो तो अगर रूम के ऊपर बात करेंगे तो 10x12 का रूम है। इसका क्या मतलब है, 10 उसकी चौड़ाई है, 12 उसकी क्या है, लंबाई है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सेम हर मैट्रिक्स के अंदर कोई ना कोई इसकी डायमेंशन होती है। डायमेंशन पता कैसे रखती है, वो पता रखती है उसके ऑर्डर से। ऑर्डर बेसिकली बताता है कि कितनी रोज है और कितने कॉलम है। इसके अंदर कितनी रोज है बेटा, कितनी रोज है और कॉलम कितने इसके अंदर। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, 2x2 का मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ आ रही बात, क्लियर है। व्हाट इफ कि मैं यहां पे एक मैट्रिक्स और लिख रहा हूं, जैसे सपोज करो इसको मैं बी नाम दे रहा हूं 1, 2 और 3। इसके अंदर कितनी रोज है, रो नंबर 1। ये कौन सी रो कहलाएगी बेटा, रो नंबर 2। और ये कौन सी कहलाएगी, रो नंबर 3। कॉलम कितने है इसके अंदर, 1। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर क्या बनेगा इसका, 3x1। समझ आई बात, कितनी रोज और कितने कॉलम। लेट सपोज कि एक और मैट्रिक्स है, उसको मैं सी नाम दे रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके। इसमें कितनी रोज हो गई है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 3 है। तो ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 और ये रो नंबर क्या हो जाएगा, 3। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। और वर्टिकल लाइन कितनी है, ये कितना हो गया कॉलम नंबर 1, ये क्या हो जाएगा बेटा कॉलम नंबर 2 और ये क्या हो जाएगा बेटा कॉलम नंबर 3। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर क्या बनेगा इसका, 3x3। यहां तक क्लियर है, इजी है, इजी है, क्लियर है। हाँ, पहली बार। अच्छा भैया, अब मैं इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझाता हूं, ठीक है ना। जब भी आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, पहली चीज एग्जाम में रखना कि अकलौती एक कंडीशन होती है टू ऐड और सब्ट्रैक्ट कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके अंदर एक मैट्रिक्स है, सपोज करो इसका 1, 2, 3 और 4। मैं इसके अंदर एडिशन सेपरेशन दोनों समझाऊंगा। एक और मैट्रिक्स है बी करके, और इसके अंदर है आपका 4, 5, 6 और 7 करके, ठीक है बेटा। इसका ऑर्डर क्या है बताना प्लीज, रोज और कॉलम। कितनी रोज है इसके अंदर, 2। वेरी गुड, कॉलम कितने हैं, 2। इसके अंदर कितनी रोज है, 2। कॉलम कितने हैं, 2। ऑर्डर सेम हो गया, दोनों ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम है, 10 आप इनको क्या कर सकते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर मुझे ए प्लस बी करना है तो सेम पोजीशन में जाके ऐड हो जाएगी। तो मतलब यहां क्या बनेगा, 1 प्लस का 4। आधी बात समझ गया, तो क्लियर है। सेकंड में क्या होगा, ऑप्शन बताओ, 2 प्लस का क्या हो जाएगा, वेरी गुड। नीचे क्या होगा बेटा, 3 प्लस का। और यहां पे लास्ट में क्या होगा, 4 प्लस का। जहां तक आंसर नहीं आएगा आपको इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ये 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 5 और 2 7, 6 3 9 और 7 और 4 11। क्लियर है, ये बन गया आपका ए प्लस बी। तो मतलब जब भी आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि देयर ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। चीज सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होगी। अब जब आपने ऐड ऐसे किया है तो सब्ट्रैक्शन भी कैसे होगा, बिल्कुल एज इट इज होगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करने जाते हो, लेट सपोज, तो आपने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, सेम पोजीशन सेम में जाके क्या होगी बेटा, अब क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। तो ए माइनस बी किसके बराबर आ रहा होगा आपका, 1 माइनस 4। पहली पोजीशन पहले से, समझ आई बात। और 2 किससे माइनस होगा, फिर क्या होगा थर्ड वाला, 3 किससे माइनस होगा, 6। वेरी गुड। और लास्ट वाला किससे माइनस होगा, 4 माइनस 7। अब यहाँ पे ये आंसर नहीं, आपका फर्दर आंसर आएगा, 1 में से 4 निकालो माइनस का 3। समझ आई बात, 2 में से 5 निकालो कितना आएगा, माइनस का 3। यहां से 3 में से 6 निकालो कितना आएगा, वेरी गुड। 4 में से 7 निकालो कितना आंसर आ रहा है, समझ नहीं आई। एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ आ रहा है, इजी। ऐड में क्या करना है, पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर शुड बी सेम। जब ऑर्डर सेम होगा तो आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। ऐड जब करोगे जब पोजीशन सेम होगी, सेम पोजीशन पे जाके ऐड होगा, सेम पोजीशन में जाके क्या होना है, उसको सब्ट्रैक्ट होना है। समझ आ रही बात,
हमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आप लोगों ने करने हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ और उसी से मैं कुछ क्वेश्चन जनरेट करूंगा। एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 5 6 7 8। बी एक मैट्रिक्स है आपका 6 7 8 और 9। सी एक और मैट्रिक्स है आपका 3 4 1 0। आपने क्या करना है, आपने ए प्लस बी निकालना है पहला पार्ट, सेकंड पार्ट है आपका बी प्लस का सी निकालना है, थर्ड पार्ट क्या है सर ए प्लस का सी निकालना है, फोर्थ पार्ट क्या है सर ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, फिफ्थ पार्ट क्या है आपने बी प्लस का ए निकालना है। सही है बेटा, ये सारा भी मुझे टास्क चाहिए, सारा क्लियर है, क्लियर है।